विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में हर दिन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। देवघर आने वाले श्रद्धालु न सिर्फ बाबा धाम के दर्शन कर रहे हैं बल्कि एक ही जगह पर अन्य 11 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालु और पर्यटक इस अद्भुत शिवलोक को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। हिंदू धर्म में हर इंसान की चाहत होती है कि वो 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों की यात्रा करे, लेकिन आर्थिक कठिनाई और समय के अभाव के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। ऐसे में बहुत कम लोग ही हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों की यात्रा कर पाते हैं, लेकिन झारखंड सरकार ने ऐसे लोगों के लिए एक वैकल्पिक इंतजाम किया है। अब आप देवघर में ही सभी 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम शिवलोक दर्शन रखा गया है। इससे न सिर्फ शहर की भव्यता बढ़ रही है बल्कि आस्था की नगरी देवघर का आकर्षण भी बढ़ रहा है। नया जो कि कभी हुआ ही नहीं था, ये जो हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत मतलब सुंदर लग रहा है। जैसे सोमनाथ मंदिर है, आपका बैद्यनाथ धाम का जो ये है, तो मंदिर अभी जाना अभी के लिए संभव। 12 ज्योतिर्लिंगों के एक साथ दर्शन करने वाले खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। यहाँ सभी 12 मंदिरों के अंदर हूबहू वैसा ही शिवलिंग और मूर्तियां स्थापित की गई हैं जैसे इसके वास्तविक रूप में हैं। यहाँ शाम को आरती और भजन संध्या का भी आयोजन होता है। इस बार एक पहल की गई है सरकार की तरफ से और 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है, 4 धाम की स्थापना की गई है यहाँ इस पंडाल में। ये एक बहुत अच्छी पहल है। मुझे तो सबसे अच्छा लगा जो 12 मंदिर है भगवान के, वो बहुत सुंदर लगे। और क्या क्या देखते हैं? और सारे मंदिर है, जैसे जगन्नाथपुरी और ये रामेश्वरम, शिवलोक दर्शन है, बहुत सुंदर लगे। कुल मिलाकर देवघर में शिवलोक की स्थापना से न सिर्फ कांवरिये आकर्षित हो रहे हैं बल्कि स्थानीय लोग भी मंत्रमुग्ध हैं। खासकर ऐसे लोग जो 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए ये व्यवस्था काफी आकर्षक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।